मैं फिर आपसे कह रहा हूं, छोड़ो आप वोट का फैसला अपने आप करना, जब आपकी तरफ कोई जुल्म की आंख उठेगी तो ये सब लोग घर में घुस के बैठ जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद कल भी आपका था, आज भी आपका है और कल भी आपका रहेगा, मेरी बात का। इसमें हम इसको सोहेल को इस बार ताकत देंगे, जो होगा देखा जाएगा। मैं लिख के देता हूं, एक अकेला सोहेल अगर 89 एमपीओ पे एमएलओ पे भारी नहीं पड़ा तब मुझसे आप सवाल करना, यही 6 महीने बाद आप देख लेना। और यही 6 महीने बाद आप खुद कहा करोगे, यहां से बैठ के कहा करोगे, हम घर से निकल के जाके दूसरी विधानसभा में जाकर कहेंगे कि अब आने वाले हर चुनाव में चंद्रशेखर आजाद को वोट देनी, अपने भाई को ताकत देनी है, इन निगमों के चक्कर में नहीं पड़ना। नहीं करोगे तो वोट तो दोगे, नोट भी दे देना, इसको रैली करनी है, इंशाल्लाह देंगे भाई, सारे देंगे। और मैं एक बात आपसे वादा करके कह रहा हूँ, तो अकेला चंद्रशेखर आजाद सीना तान के आपके लिए लड़ेगा, मेरी बात को आप याद। आप सबसे माजरत चाहता हूं कि भाई आप 3 बजे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि हम लोग जानबूझ के देर नहीं किए। जिस गांव से जाते हैं उससे निकलने में समय लग जाता है, और चुनाव का समय आप जानते हैं, हर आदमी की जन भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है। मैं देर से भले ही आया, लेकिन आप भरोसा करो, यहां से बाद रादौर में मेरे 4 प्रोग्राम है, उसके बाद मुझे 5 घंटे का सफर करना है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम के लिए समर्पित की है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, मेरा आपसे चुनावी रिश्ता नहीं। मैं ये समझता हूं इस मुल्क में जो भी मजलूम है, मजबूर है, कमजोर है, जिसको सताया जा रहा है वो मेरा भाई, और अपने भाइयों की मदद करना, उनकी लड़ाई लड़ना, उनको इंसाफ दिलाना, उनको अपने मुल्क में इज्जत की जिंदगी दिलाना और उनपे आने वाली मुसीबतों को रोकने के लिए अपनी जी जान लगाना मेरी जिम्मेदारी। मैं आज से नहीं कर रहा हूं, मेरा सियासत से कभी उत्तम वास्ता भी नहीं था जब मैं काम करता था, और आज से नहीं कर रहा हूं, बहुत दिनों से कर रहा हूं। जहां जन्मा हूं वो आपसे दूर नहीं है, ये जमुना पार मेरा, ये भेंट विधानसभा मेरा घर है, मैं इसी में जन्मा हूं, भेंट में। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे नगीना से, जितने भी जिम्मेदार लोग भाई हजरत जो है मौलाना अतीक साहब आए हुए हैं, हमारे भाई राव वो इंजीनियर मौजम साहब आए हुए हैं, राव मौसम साहब हैं, यहाँ पीछे जो है मेहताब गुजर साहब हैं, तमाम हमारे साथी जो हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उनकी इच्छा थी कि हम हरियाणा चुनाव में जाके काम करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि लोग तो किसी 60 साल के आदमी पे ताकत लगा रहे हैं, कोई 70 साल पे लगा रहा है, मैंने वहां एक नौजवान अपनी बराबर में खड़ा किया है जिसके ऊपर मुझे भरोसा है कि वो अगर मेरी आवाज जाएगी या वहां किसी गरीब पे कोई जुल्म होगा तो वो घर में पड़ के नहीं सोएगा, फोन नहीं बंद करेगा, लोगों की आवाज बनने काम करेगा। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा। जो हमने अपने महापुरुषों से सीखा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से, माननीय काशीराम साहब से, हम दोस्त और दुश्मन को जानते हैं, हम अपने और पराये को पहचानते हैं। हमने आज तक आप जानते हैं किसानों के साथ जुल्म हुआ, सबसे बड़ा विरोध अगर किसने किया किसानों के साथ खड़े होके, तो वो हम लोगों ने किया 13 महीने, जहां उनके ऊपर पसीना, जहां का पसीना पड़ा करने का काम किया। हरियाणा से ही आने वाली हमारी पहलवान बेटियों पर जुल्म हुआ तो पहलवान बेटियों के सम्मान के लिए हमने सड़कों में आवाज उठाई और पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई। और मुस्लिम भाई तो जानते हैं, जो लोग थोड़े से भी जागरूक में जानते हैं, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, सीए का मामला हो, चाहे मौलाना कलीम साहब का मामला हो, चाहे मौलाना सलमान साहब का मामला हो, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो, चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे मौलाना साद साहब का मामला हो, जहां भी आपके ऊपर कभी कोई भी नफरत की आवाज उठी, आप उठी, मैंने अपनी जिम्मेदारी को अदा करके कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने दिया। आप इस बात को, और मैं फिर कह रहा हूं, वोट आपके हाथ में, आपको देनी, आप बस ये सोचना कि वास्तविकता में कोई आपका अपना है क्या, जो आज टिकट लेके घूम रहे हैं, ये पिछले 5 साल में कभी आपके पास आए थे? और आए तो अपने मकसद के अलावा किसी काम से आए थे? कहीं पूरे देश में किसी जुल्म पे इन्होंने कोई आवाज उठाई क्या? देखो, वोट एक हक है, और मैं मानता हूं हक में जिसका अधिकार बैठता है उसी को हक मिलना चाहिए। आप ये बताओ, आप अपने मन से सोच के बताओ, आप 10 रुपए का सामान खरीदोगे, 4 बार वो करोगे कि सामान खराब तो नहीं है, सामान पुराना तो नहीं है, ये सामान से नुकसान तो नहीं होगा, आप
करोड़ों रुपए से कीमत जब वोट डालने जाते हैं, जो हमारा 5 साल का मुस्तकबिल तय करती है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करती है, हमारे प्रदेश का, हमारे क्षेत्र का विकास तय करती है, जो तय करती है कि स्कूल कहाँ बनेंगे, कॉलेज कहाँ बनेंगे, एड किनको मिलेगा, तनख्वाह किनको मिलेगी, रोजगार किनको मिलेगा, उद्योग धंधे कहाँ लाएंगे, हॉस्पिटल कहाँ बनेंगे, हॉस्पिटलों में डॉक्टर होंगे नहीं होंगे, सड़कें कहाँ बनेंगी, जब आप ये वोट डालने जाते हो तो फिर आप पता नहीं किस गलतफहमी में वोट डालते हो, कभी किसी को हराते हो, कभी किधर, कभी खुद तो जीतो भाई। जब तक आपकी आवाज नहीं होगी विधानसभा में क्या फायदा होगा? ये तो रिजर्व सीट है, आपको शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को वोट देनी है। आप, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप एक आईना लगा के सब लोगों को उस सामने तराजू रख के तोल के देख लो, अगर सोहेल आपकी नजरों में 19 हो गया तो सोहेल को वोट मत देना, लेकिन अगर तराजू आप ईमानदार से रखोगे तो सोहेल आपके वोट में सबसे मजबूत दावेदार होगा, क्योंकि वोट लेके अगर इसको ताकत मिलती है तो घर नहीं बैठेगा, ये चंडीगढ़ में खड़ा होगा, जिस तरह मैं पार्लियामेंट में आपके लिए आवाज उठाता हूं, धारने का काम करता हूं आपके लिए चंडीगढ़ में खड़ा होकर, पूरे प्रदेश के लिए गरीबों, किसानों, कमजोरों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमान सब लोगों के लिए लड़ने काम करेगा, ये इंसानियत की आवाज उठाएगा, ये आपके हक हकूक की आवाज उठाएगा। और भाई देने को आप हमेशा देते हैं, पिछली बार भी वोट दी थी आपने, मैं आपको दो चीजें कहूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, अभी सरकारों का चरित्र देखना हो ना तो आप हिमाचल वाली सरकार का देख लो, जो लोग जागरूक हैं हिमाचल से अच्छा कुछ नहीं अभी देखने को ताजे उसमें। किसकी सरकार है हिमाचल में, किसकी सरकार है, मौलाना सत्तार किसकी सरकार है, क्या हाल है हिमाचल में, कांग्रेस की सरकार, हमें हमारे धार्मिक स्थलों से भी निकालने की तैयारी की जा रही है, इससे बड़ा जुल्म क्या हुआ, जिन चीजों में हम 100 साल से काबिज हैं उनको हमसे छीनने का वो किया जा रहा है, और सरकार के लोग बैठ के तमाशा देख रहे हैं, सरकार के लोग उनको जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उधर को चलता कर रहे हैं, सरकार के लोग माहौल खराब कर रहे हैं, इसको सरकार कहते हो? मैं नहीं कहना चाहता किसी को, मुझसे मत कह लो, आप सब जानते हो हमारे इस हाल में सबकी हिस्सेदारी है, वरना हम इस मुल्क में इस हाल में नहीं होते, हमने तो सबको भरोसा देके अपने कंधों में बिठा के इस देश का दलित और मुसलमान था जिनकी वजह से कांग्रेस ने 50 साल राज किया, आज करके देख लो दूसरा तुम पे है क्या कोई वोट, हमारे कंधों में बैठकर राज किया, जब हमारी हक की बात आती है तो हमसे वोट ले लेते, इसको सियासत कहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, छोड़ो आप वोट का फैसला अपने आप करना, जब आपकी तरफ कोई जुल्म की आंख उठेगी तो ये सब लोग घर में घुस के बैठ जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद कल भी आपका था, आज भी आपका है, और कल भी आपका रहेगा, मेरी बात का। और रही बात आपके मन में ये होगा, जैसे मुझे किसने कहा कि साहब वो माहौल के ऊपर वो डिपेंड करता है, माहौल तो बनाने से बनता है, जब हम लड़ने गए थे मौलाना अतीफ इंजन मौजूद बताओ, जब हम लड़ने गए थे कौन मानता था इन बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने, एक तरफ एनडीए अलायंस था, एक तरफ इंडिया अलायंस था, कि ये गरीब नौजवान कैसे जीत जाए, कौन मानता था, कोई भी मानने का राजी था, कोई मीडिया का आदमी मानने का राजी था, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा था, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा, मुझे कोई डर नहीं है, मैं अपने उलेमा इकरामों का शुक्रिया अदा करूंगा, मौलाना मुफ्ती का शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने मेरी बात के साथ खड़े होकर मेरी मदद की, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, और आप जानते हैं ये भरोसा सबसे ताकतवर चीज है, मैंने भरोसा, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, और मैं जब तक जीऊंगा उस भरोसे पर खड़ा रहूंगा, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद, और मैंने उनसे कहा था आप एक एमपी नहीं बना रहे हो, पूरे देश में अगर कहीं किसी पर जुल्म होगी तो इतने बड़े हाथ दिए मुझे भीम आर्मी के लोगों ने, इतना बड़ा संघर्ष किया भीम आर्मी के लोगों ने कि मेरी एक आवाज पे सड़कें जाम होने का काम होगी, आप अभी देख के पता करा लेना, दिल्ली में हमने जब हमारी परमिशन कैंसिल कर दी, 2 दिन में इतना बड़ा प्रोग्राम किया कि सारी पार्टियों ने दांतों तले उंगली दबा ली कि ये नौजवानों को क्या हो गया, ये चंद्रशेखर आजाद कहां से ताकत दिया, मैं कहीं से ताकत नहीं लाया, मेरे ऊपर मेरे भाइयों का प्रेम, मेरे साथियों का सहयोग और ऊपर वाले की रहमत, तो मैं इतनी जल्दी कहीं जाने वाला नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, कहते ना हिम्मत बढ़ता तो मंदिर खुद, आप हिम्मत तो करो, आप अपने आप को कमजोर क्यों रखते हो, 40,000 वोट लेके बैठे हो यहां, अगर फॉर्म भी करोगे तो मैं लिख के देता हूं, अगर 24 घंटे माहौल नहीं बदला तो राजनीति करना छोड़ दूंगा, आप अपनी हिम्मत तो जानो, क्या बात करते हो, आपका मोबाइल फोन है, और मैं फिर कह रहा हूं शर्त लगा लो, अगर शेड्यूल कास्ट का 70-80% वोट नहीं लेके गए तो तब आप हमसे सवाल करना, क्या बात करते हो, चुनाव शुरू भी नहीं हुआ,
जितना ये प्रत्याशन के लिए यार प्रत्याशी क्या कर रहे हैं, रो के साहब मेरा आखिरी चुनाव में मुझे वोट दे दो। ए भैया तेरा करेंगे क्या तेरा आखिरी चुनाव, हमें तो नेता तैयार करना जो 10-20 साल हमारी सेवा करे, जो 10-20 साल हमारे लिए खड़ा रहे, जो 10-20 साल हमारी आवाज बने। अब तेरा क्या करेंगे तेरा आखिरी चुनाव में। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आपने MP बनाया नहीं बनाया कांग्रेस का, बनाया नहीं बनाया, जब आपने वक्त को जरूरत पड़ी कहा है वो MP बताओ कहा है। फिर और ये भी नहीं भरोसा कौन सा भाग जाएगा भारतीय जनता पार्टी में, हम बैठे गवाही देंगे कि हमारा एक एक सफाई भारतीय जनता पार्टी को जमींदार करने का काम करेगा, उनके उनकी ताबूत में तीर ठोकने का काम है, क्योंकि हम बिकाऊ लोग नहीं, हम टिकाऊ लोग और अपने दम पे और जान की परवाह नहीं करते। आप जानते हो चार चार गोली खाकर राजनीति नहीं कर रहा भारत की राजनीति में, कोई यहां नहीं कोई गोली चला सकता। आप बताओ मुझे क्या कोई हमारे जैसे लोग हमारे लोगों जैसे कपड़े पहन कर ही खड़ा हो सकता। इस डर को नहीं मैं एक बार मौत आएगी, रोज रोज नहीं मरना चाहता मैं, जब तक जिंदा हूँ पूरी ताकत से ईमानदारी से अपने ईमान से लेकर लड़ूंगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ आज मदद मांगने आया हूँ, हो सकता है इस चुनाव में दोबारा ना आऊं मदद मांगने, क्योंकि समय नहीं है, काम बहुत है। मैं आपसे कह रहा हूँ आपने सबको अजमाया और कहते अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ, एक बार मुझे मौका दो। अगर आप मौका नहीं दोगे तो कैसे देखोगे बताओ हरियाणा के लोगों, आप बताओ अगर मौका नहीं दोगे तो मेरी लड़ाई को मेरी मेहनत को कैसे देखो। अगर आप मौका दोगे तभी तो पता लगेगा ना चंद्रशेखर आज किस तरह लड़ता है। अभी आपने मेरा जोर देखा कहा है बताओ, अभी तो मैं आपके यहां आया था छतरौली में आपके NRC की एक सभा थी उसमें आया था, और मैं उस दिन चैलेंज करके कहा था कि जिसकी माँ ने दूध पिया वो लागू करवा लेना हम देख लेंगे। ठीक है, मैं तो आज आपसे कह रहा हूं एक बार सोहेल की दिल खोल के मदद करो कि भाई ये हमारा भाई है, ये किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं। आप एक बार दिल खोल के उसकी मदद करो, उसके हाथ मजबूत करो और कहो कि एक सीट पे हम इसको सोहेल को इस बार ताकत देंगे, जो होगा देखा जाएगा। मैं लिख के देता हूं एक अकेला सोहेल अगर 89 MPO पे MLO पे भारी नहीं पड़ा तब मुझसे आप सवाल करना, यही 6 महीने बाद आप देख लेना। और यही 6 महीने बाद आप खुद कहा करोगे, यहां से बैठ के कहा करोगे हम घर से निकल के जाके दूसरी विधानसभा में जाकर कहेंगे कि अब आने वाले हर चुनाव में चंद्रशेखर आजाद को वोट देनी है, अपने भाई को ताकत देनी है, इन निकम्मों के चक्कर में नहीं पड़ता, ये तो वोट लेकर घर में घुस जाते हैं, ऐसे नेताओं की हमें जरूरत भी। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, जब मकान बनाते हैं तो छत डालते हैं पहले, बुनियाद भरते हैं बताओ क्या करते हैं बताओ, जोर से बताओ बुनियाद। तो बुनियाद डालोगे आज नहीं डालोगे 5 साल बाद, तो ये तो आपको तय करना है कि मुझे धरती में गाड़ना है मुझे बराबर में खड़ा करना, तो आपके ऊपर है चाहे 5 साल बाद तय कर लेना चाहे 20 साल बाद तय कर लेना। मैं तो यही हूं, अगर मैं जिंदा रहा मैं तो लड़ता रहूंगा, लेकिन आप बताओ कौन लड़ेगा लड़ाई आज इनका, भाजपा के गुंडों का सामना करने के लिए है कोई आपके पास पूरे प्रदेश में बताओ, चैलेंज करके कह रहा हूं है कोई एक जो आपका सामना कर ले बताओ, फिर इनके भरोसे लड़ोगे। मैं फिर कह रहा हूं समझदार मुल्क में बहुत लंबी दास्तां है दुनिया में आपकी, समझदार बनो, मौके बार बार नहीं मिलते, ये मौका आया है। और मैं फिर कह रहा हूं सोहेल ने बहुत मेहनत की है दलित समाज के लोगों के लिए, हर गांव में उसका कैडर है, हर गांव में लोग उसको जानते हैं, और हमारे नेता कमल जी ने प्रदीप जी ने हमारे साथियों ने गली गली जाकर मेहनत की। अगले 3-4 दिन में आप देखना, मैं तो इससे कह रहा हूं आप भी मेरी तरफ से अपील कर दो, मैं इसको कह रहा हूं आपके मन में जो शंका है एक रैली करवा के कि शेड्यूल कास्ट के लोग दलित समाज के लोग किधर हैं पिछड़े वर्ग के लोग किधर हैं, एक रैली करवा के ये शंका भी दूर कर दे, चाहे 3 में करा ले चाहे 1 में करा ले, इनको भी घर बैठे पता लग जाए कि इनका वोट बेकार नहीं जा रहा, इनका वोट जीत के लिए जा रहा है। एक रैली करा ले मजबूत के लिए, ये कमजोर लोग नहीं है, तो इनको कह दे तो ये पैसे भी देंगे तुझे चुनाव के, तो इनको हल्के में ले रहा है, इनको हल्के में ले रहा है कि ये मजबूत लोग हैं। और सुन ये इनसे ज्यादा वफादारी नहीं किसी की जो इस देश की मिट्टी को 5 बार सलाम करते हैं ना 5 बार सजदा करते हैं, इनसे नहीं मांग सकता कोई वफादारी का सर्टिफिकेट बना कुछ करेंगे। 1 तारीख को रैली करेंगे भाई, आपको पता लग जाएगा कि क्या है, समझ रहे हैं समझ रहे हो, 1 तारीख को रैली करेंगे बता कहां करेंगे, जगह डिसाइड कर लो, 1 तारीख को रैली करेंगे और आप रैली में देख लेना, रैली बता देगी आपको कि सोहेल कितने वोटों में खड़ा है। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, मैं सोहेल को भी नहीं कह रहा, मैं तो आपसे कह रहा हूं मेरा कुछ हक बैठता है नहीं बैठता आप लोगों को बताओ, हाथ उठा के बताओ बैठता है नहीं बैठता है, क्या मेरे जैसे आदमी को आपसे उम्मीद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो मदद करोगे नहीं करोगे, तो वोट तो दोगे नोट भी दे देना इसको रैली करनी है इंशाल्लाह देंगे भाई सारे देंगे। और मैं एक बात आपसे वादा करके कह रहा हूं, जब तक पार्लियामेंट में हूं ये भी नहीं पता कितने दिन हूं, जब तक पार्लियामेंट में हूं अगर कोई भी कानून आपके खिलाफ बनेगा
तो अकेला चंद्रशेखर आजाद सीना तान के आपके लिए लड़ेगा, मेरी बात को आप याद। अभी मुझे वहां बुलाया था उन्होंने, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है मुंबई में खिलाफत मूवमेंट का, चुनाव चल रहा था, मुझसे जिद करने लगे आओ आओ आओ, मुझे चीफ गेस्ट बनाया। वो उसमें बड़े बड़े लीडर गए, कई पूर्व प्राइम मिनिस्टर उसमें गए, बड़े बड़े लोग भी बुलाते। अब मैंने अपने मन में सोचा कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, तो मेरे अगले 10 मिनट में समझ में आया कि बहुत बड़ी कंधों की जिम्मेदारी मेरे आने वाली है। वक्त वाले मामले में वो लोग ये सोच रहे हैं कि कौन सी लड़ाई लड़ेगा। मैंने उनसे जाते ही कहा, कागज लिखकर कहा कि जो तुम कहना नहीं चाहते मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जिस दिन ये जंग आएगी, ये लड़ाई आएगी संवैधानिक, आप देख लेना सबसे बड़ा प्रोटेस्ट अगर कोई करेगा, इस सरकार को घुटने पर लाने कोई काम करेगा, तो वो चंद्रशेखर आजाद होगा। मेरी बात को आप याद रखना। अच्छा, मुझे ताकत मिलेगी कहां से आप बताओ, कहां से मिलेगी? लोकतंत्र में यही तो समय ताकत बनाने। अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता तो चला जाता क्या पार्लियामेंट में, आप बताओ? फिर तो ये वोट ही तो ताकत देने का। ये आप तय कर लो कि चंद्रशेखर आजाद को डुबाना है या चंद्रशेखर आजाद को खड़ा करना है पैरों पर, ये आपके हाथ है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आज समय कम है, मैं आज के लिए माफी चाहूंगा कि आपका नाश्ता नहीं लेकर रहा हूं। एक वादा आपसे कर रहा हूं, आप चुनाव के बाद एक दिन आऊंगा, तो जन्नतदेव इतनी प्यारी जगह है, एक दिन आऊंगा चुनाव के बाद, खाना खा के जाऊंगा आप लोग, आपके सब को डालू। लेकिन आज जाने की इजाजत चाहता हूं और आपसे अपील करता हूं, ये नोट और वोट दोनों की जरूरत पड़ेगी, आपका अपना आपका छोटा भाई इसको संभाल के रखना, आपके काम आएगा 20-30 साल याद रखना मेरे का। बहुत शुक्रिया, जय भीम जय भारत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जवान जय किसान और भारतीय संविधान जिंदाबाद और हमारा भाईचारा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं।